नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथि के दिन व्रत करना और श्री हरि नारायण की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें से कुछ एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी भी इसमें शामिल है। पौष मास की इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से सारी इच्छाएँ और कामनाएँ पूरी होती हैं, कामों में सफलता मिलती है। इस साल सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 रविवार को यानी कि आज है। साथ ही यह साल 2024 की पहली एकादशी भी है। सफला एकादशी के दिन व्रत रखना और भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत लाभ देता है। पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि सफला एकादशी 6 और 7 जनवरी की मध्य रात्रि 12:41 से प्रारंभ हो चुकी है और 7 और 8 जनवरी की मध्य रात्रि 12:46 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 7 जनवरी 2024 रविवार को ही सफला एकादशी मानी जाएगी। सफला एकादशी की पूजा आज पूरे दिन की जा सकेगी। वहीं सफला एकादशी व्रत का पारण समय 8 जनवरी 2024 की सुबह 6:57 से 9:03 तक रहेगा। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके घर के मंदिर की साफ सफाई करें। यदि व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प जरूर लें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, फिर भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। इसके बाद पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। श्री हरि को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, मिठाई फल तुलसी दल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। सफला एकादशी के व्रत की कथा जरूर पढ़ें। बिना कथा पढ़े पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, आखिर में आरती करें, फिर व्रत और पूजा में होने वाली गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। पूरा दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन इसका पारण करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।